जहाँ तो इतने पैसेंजर होया करते थे, आज कुछ नहीं है, खाली बस दिख रहा है। हरियाणा प्रदेश का नंबर वन प्राइवेट शिक्षण संस्थान कृष्णा इंस्टीट्यूट। टोहाना के इस बस स्टैंड को देख लीजिए, जहां मेले जैसा माहौल रहता था, लेकिन लॉकडाउन ने इसे सुनसान बना दिया है। जहां पर बैठने के लिए कुर्सियों पर जगह तक नहीं मिल पाती थी, उन कुर्सियों पर जंग लग गया है, क्योंकि अब इन पर बैठने वाला कोई यात्री आता जाता ही नहीं। आप देख रहे हैं टीवीएन न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें टोहाना बस स्टैंड, जहां पर एक मेले जैसा माहौल, लेकिन कुर्सियां यात्रियों का इंतजार करते करते जंग में रंग गई है, जंग लग गया है कुर्सियों को। और टोहाना का ये बस स्टैंड सुनसान लॉकडाउन के चलते हो गया है, जहां पर मेले जैसा माहौल सुबह से शाम तक रहता था, लेकिन अब यहाँ पर एक परिंदा तक नज़र नहीं आता। देखिए टीवीएन न्यूज़ की ये विशेष रिपोर्ट टोहाना के बस स्टैंड से। दर्शन सिंह जी, तो सर आप यहाँ पे है टोहाना बस स्टैंड पे, तो सर किस प्रकार आप ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? ड्यूटी कर रहे हैं हम, अपना सुबह से आते हैं शाम तक, बसें जो सरकार ने आदेश दिए है भी 4 बसें ना सरकारी अस्पताल में भेजनी है, तो वहाँ से संदेशा आ रहा है हमारे को जो अपना फतेहाबाद हेड ऑफ से, तो हम 4 बसें भेजते हैं, 2 सरकारी अस्पताल टोहाना और 1 जाखल भेजते हैं। ये किसके भेजी जाती है सर? SMO साहब के आदेश के साथ वो साहब भेजते हैं जी, वो हमारे को लेटर भेजते हैं भी इस गांव में भेजनी है, तो आगे उन्होंने ले जानी, हम जहाँ से बस सरकारी अस्पताल में भेज देते हैं जी। डॉक्टरों के लिए? हाँ जी, डॉक्टरों के लिए भेजते हैं, 1 जाखड़ और 1 कुलां अस्पताल और 2 सरकारी पूरे टवाणा अस्पताल भेजते हैं, 4 बसें डेली भेजते हैं जी। तो सर जैसे यहाँ पर एक मेले जैसी रौनक रहती थी बस स्टैंड पे, तो जैसे अब आप देख रहे हैं, तो कितना अंतर आपको यहाँ पर अपना? बहुत ज़्यादा, बहुत अंतर जी। यहाँ तो इतने पैसेंजर होया करते थे, आज कुछ नहीं है, खाली बस दिख रहा है। सिर्फ दे कर्मचारी हमारे कुछ वर्कशॉप में आते हैं, बाकी जहाँ हम कुछ ड्यूटी दे रहे हैं आदमी, तो बाकी जो सुनम सुनना लग रहा जी, बहुत रौनक थी, आज कुछ नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी, परमानेंट देते हैं, संडे को भी आना पड़ता है, क्योंकि सोमवार को ड्यूटी लानी पड़ती है जी, तो संडे को भी हम आते हैं, संडे को भी ड्यूटी देते हैं जी।